एक जो पार्ट होता है वो है गेयर बॉक्स। तो देखिए गेयर बॉक्स इस टाइप सा ये आपको जो दिख रहा है ये कहलाएगा गेयर बॉक्स। इस टाइप से आपको ये है गेयर बॉक्स। ये अलग अलग प्रकार के आते हैं, किसी का साइज छोटा होगा, किसी का साइज बड़ा होगा और कोई साइज में बहुत यूनिक टाइप का दिखेगा। देखते जैसे ये हमारे पास एक गेयर बॉक्स है, दूसरा हमारे पास ये गेयर बॉक्स है। इसमें देखते हैं कि ये गेयर बॉक्स ये है, इसमें गेयर बॉक्स की जो शाफ्ट देखेंगे ये चार फुट की यानी चटखुट्टी टाइप की है और इसमें जो हमारे गेयर बॉक्स की शाफ्ट है वह गोल है, ठीक है, प्लस इसमें लाइनिंग सी है। तो ऐसे या तो आपको चौखट्टी भी दिख सकती है, आपको गोल भी, किसी भी प्रकार के आपको ये शाफ्ट में दिख सकती हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं कि हमारा जो ये गेयर बॉक्स है ये किस काम के लिए आता है और ये काम क्या करता है, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले आप देखते हो कि ये हमारे पास जो गेयर बॉक्स है ये LG का गेयर बॉक्स है। किस कंपनी का गेयर बॉक्स है? LG का। हर कंपनी के गेयर बॉक्स जो होते हैं कुछ डिफरेंस होते हैं, कुछ पार्टों में चेंजिंग कर दी जाती है जिससे आप आसान तरीके से वह जिस कंपनी का गेयर बॉक्स है मार्केट में जाके उस कंपनी का गेयर बॉक्स लीजिए। तो सबसे अब हम यहाँ पे बात करते हैं गेयर बॉक्स में होने वाली प्रॉब्लम की, कि गेयर बॉक्स में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं और गेयर बॉक्स क्यों लगाया जाता है। सबसे पहले ये गेयर बॉक्स लगता कहाँ है, ये आपको दिख रहा, ये जो गेयर बॉक्स होता है इसको वॉशिंग मशीन के वॉश वाले पार्ट में लगाया जाता है, जहाँ पे हमारे कपड़े धुले जाते हैं उस वॉश वाले पार्ट में नीचे साइड इसको जो मोटर होती है, मोटर आपकी बाजू में रहेगी, उसके सामने इसको लगाया जाता है। और इसकी जो ये शाफ्ट जो रहती है ये वॉशिंग मशीन की जो चक्रा यानी पलस्टर लगा रहता है वो शाफ्ट इसमें जाके फंस जाती है। तो ये शाफ्ट को जो ये शाफ्ट होती है पलस्टर में लग जाती है जिससे आपका वॉशिंग मशीन में राउंड होना चालू, तो ये राउंड कराने के काम के लिए इसको लिया जाता है। प्लस इस गेयर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इस गेयर का इस्तेमाल जो हमारी मोटर होती है जो वॉश मोटर होती है वह कितने RPM 1450 यानी चार पोल की मोटर होती है 1450 RPM अधिकतम मारती है, कम हो सकता है 1300 भी हो सकता है 1200 भी हो सकता है RPM कम, लेकिन इतने RPM में अगर हम अपनी वॉशिंग मशीन में चलाएंगे तो पहली स्थिति ये होती है कि यहाँ पे हमारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे या पानी पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा अगर लोड है तो। बाकी अगर हम डायरेक्ट वॉशिंग मशीन की मोटर को डायरेक्ट उसमें लगा देते तो इतना पानी और कपड़े के लोड के कारण ये वॉशिंग मशीन हमारी नहीं चल पाएगी, मोटर जाम हो जाएगी। वो जाम की स्थिति में यानी क्या, स्पीड को कम और ऊर्जा, स्पीड को हमें क्या करना है, कम करना है लेकिन ताकत को बढ़ा देना है। स्पीड को हमें बहुत कम मात्रा करके ऊर्जा यानी इसकी जो बल है उसको हमको बढ़ाने का काम क्या करता है, गेयर बॉक्स। इस गेयर बॉक्स जो होता है ये गेयर बॉक्स अलग, जैसे कि ये वाला जो हमारे पास गेयर बॉक्स है जब हम यहाँ से चालू करते तो 1, 2, 3 और 4 यानी ये एक बार अगर हम यहाँ से नीचे से घूमता है, चार बार घूमता है ये नीचे, तो ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा एक ही बार घूमता है। कितने बार घूमेगा? एक बार घूमेगा। ऐसा ही इस पुल्ली, इसके साथ लगने वाली पुल्ली जो होती है ये वही काम करती है। ये गेयर बॉक्स के नीचे ये पुल्ली को हम लगा दिए जाते हैं। ये पुल्ली कहाँ लग जाएगी? गेयर बॉक्स के नीचे लग जाएगी। और इस पुल्ली को इस पट्टे के द्वारा ऐसे इसमें क्या लगा दिया जाता है, पट्टा लगा दिया जाता है, इस टाइप से ये पट्टा लग जाता है। और पट्टा मोटर में लगने वाली जो हमारी मोटर होगी, जो वॉश मोटर होगी, उसमें जो पट्टा लग पुल्ली रहेगी उसमें जाके ये पट्टे का दूसरा सिरा लग जाता है। इस कारण ये सर्कुलेशन में काम करता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे गेयर बॉक्स से होने वाली प्रॉब्लम। तो अगर हमारा गेयर बॉक्स ख़राब है तो पहली प्रॉब्लम ये होगी कि हमारी वॉशिंग मशीन लोड नहीं लेगी। पहली प्रॉब्लम क्या हो रही है, वॉशिंग मशीन लोड नहीं ले रही। कैसे लोड नहीं ले रही? सबसे पहली स्थिति ये हो जाती है, देखते हैं क्या होता है कि जैसे कि हमने वॉशिंग मशीन को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद उसमें प्रॉपर तरीके से पानी भर दिया जाता है प्लस उसमें हमने कपड़े डाल दिए। जब हमने उसमें कपड़े डालते हैं तो वॉशिंग मशीन का पलस्टर नहीं घूमता है, यानी क्या हो रहा, वॉशिंग मशीन लोड नहीं ले रही। लेकिन जैसे ही हम उसको खाली स्थिति में चलाते हैं यानी विदाउट कपड़े और विदाउट पानी डाले तो बहुत आसान तरीके से सिंपल चल रही है। तो हम ये मानते हैं कि जो हमारी वॉशिंग मशीन है वो लोड नहीं ले रही। और अगर लोड नहीं ले रही उसका कारण, मेन कारण हो सकता है आपका गेयर बॉक्स।
गियर बॉक्स के अंदर जो इसके गियर होते हैं वो खराब हो जाते हैं या घिस जाते हैं। खराब या घिसने के कारण क्या हो जाएगा, हमारा ये लोड नहीं लेगा। जैसे हैवी पानी हो जाएगा तो ये जो साफ है ये स्लिप मार जाएगी। क्या मार जाती है? स्लिप मार जाएगी और आपका प्लस्टर नहीं चलेगा। तो पहला तो ये हो सकता है कि आपका गियर बॉक्स खराब हो चुका है, इस स्थिति में हम गियर बॉक्स को चेंज कर देंगे। दूसरी इससे ये प्रॉब्लम होती है कि हमारी वॉशिंग मशीन लोड तो ले रही है लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रही है। अगर वॉशिंग मशीन वॉश वाला पार्ट चलाती आवाज़ बहुत अधिक मात्रा में करना चालू कर देती है तो हमारा गियर बॉक्स के अंदर की जो गियर है वो कट चुकी है। देखते हैं गियर कैसे दिखते हैं। तो देखेंगे जैसे कि हमने इसको खोल के रखा है और इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इस टाइप से इसमें यहाँ पे चक्री लगी हुई है। क्या लगी हुई है? ये यहाँ पे ये साफ हो गई और इसके यहाँ पे देखेंगे तो कितने गियर, 1, 2, 3, 4 गिर्रियाँ लगी हुई हैं। 4 गिर्रियाँ इसमें लगी। तो ये जब कट जाती है तो कटने के कारण क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में कट 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 की आवाज़ आना चालू कर, इस स्थिति में हम गियर बॉक्स को चेंज कर देंगे। तो ऐसे हमारे गियर बॉक्स को हम चेंज करके हम नया गियर बॉक्स डाल देते हैं और वॉशिंग मशीन में जो गियर से आने वाली प्रॉब्लमों को हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो गियर बॉक्स से पहली प्रॉब्लम होगी लोड ना लेना, दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, वॉशिंग मशीन से आवाज़ आना, ये गियर बॉक्स की प्रॉब्लम होती है। तो इस स्थिति में हम गियर बॉक्स को चेंज करके नया लगाएंगे और हमारा जो गियर बॉक्स से होने वाली प्रॉब्लम को हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लें। इसके साथ ये जो आपको दिख रहा है ये है पट्टा, ये कहलाता है बेल्ट या पट्टापन बोलेंगे। इसका काम रहता है मोटर और गियर बॉक्स को कनेक्ट करना। क्या करना? मोटर और गियर बॉक्स का कनेक्ट करना इसका कहलाता है। तो जो मोटर में पुल्ली लगी होगी, जो इस टाइप की ये पुल्ली रहती है, तो मोटर में जो पुल्ली लगी होगी वह पुल्ली छोटी होगी और इसकी जो गियर बॉक्स में पुल्ली लगी होगी वो पुल्ली बड़ी होगी। इसका काम क्या होता है छोटी या बड़ी पुल्ली का? सबसे पहले हम जानते हैं कि पुल्ली काम क्या करती है और छोटी बड़ी क्यों लग। तो जो मोटर में हम पुल्ली लगाते हैं वह छोटी पुल्ली होगी, जो गियर बॉक्स के पास लगी रहती है वो बड़ी पुल्ली होती। इसका काम रहता है स्पीड को कम करना। देखिए आपकी मोटर 1400 RPM में घूम रही थी, अगर उस मोटर के उतने RPM में जाएगी तो हमारा काम नहीं होगा, कपड़े फट सकते हैं और बहुत से कारण हो सकते हैं, लोड भी ना ले। तो क्या करेंगे हम, जब छोटी पुल्ली हमारी मोटर में जो लगी छोटी पुल्ली एक बार घूमती है तो हमारी छोटी पुल्ली कितने बार, 4 घूमी, तो ये हमारी पुल्ली एक बार घूमती है। तो यहाँ क्या हो गया, जो 1400 RPM था वो 350 RPM में आपका पहुँच गया। तो उस RPM को घटाने का काम क्या कर लेगी, पुल्ली। उसके बाद आगे का RPM को घटाने का काम क्या कर लेगा, हमारा गियर बॉक्स। ये दोनों मिलके RPM का काम करते हैं तथा ये RPM जब कम होता है तो यहाँ क्या होता है, स्पीड को तो हमने कम किया लेकिन बल को उतना ही बढ़ा दिया। तो जब बल बढ़ गया तो हमारी जो वॉश वाले उसको ताकत मिल गई और हमारा इतना भार होने के बाद भी हमारी वॉशिंग मशीन प्रॉपर तरीके से काम करना चालू कर दी। तो इस टाइप से गियर बॉक्स काम करता है और गियर बॉक्स की पुल्ली प्लस मोटर की पुल्ली दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, ये बेल्ट और रबर। इसकी प्रॉब्लम के कारण भी हमारी वॉशिंग मशीन लोड नहीं लेती। बहुत सिंपल सी चीज़ आपको दिख रही होगी, कभी कभी क्या होता है गियर बॉक्स भी सही है, पुल्ली भी सही है, तब भी हमारी वॉशिंग मशीन लोड नहीं ले रही है। यानी लोड ना लेने का मतलब क्या हुआ, पानी और कपड़े डालने के बाद, यानी खाली अवस्था में वॉशिंग मशीन सही चल रही है बट पानी डालने के बाद और कपड़े डालने के बाद वॉशिंग मशीन सही अवस्था में नहीं चल रही। उसका रीज़न क्या होता है, ये जो बेल्ट है चल चल के ढीला हो जाता है। और जब ये ढीला हो जाता है और जब हम वॉशिंग मशीन ऑन करते हैं तो खाली में तो ये प्रॉपर तरीके से रहा, लेकिन जैसे ही पानी और कपड़े का लोड इसमें पड़ता है और भार पड़ता है तो क्या होगा, ये ढीले होने के कारण दोनों पुल्ली में ये स्लिप मार जाएगा। और जब स्लिप मार जाएगा तो वहीं ये बेल्ट घूमेगा और ये गियर बॉक्स की पुल्ली को नहीं घुमा पाएगा। इस स्थिति में आपका जो है लोड वॉशिंग मशीन नहीं लेगी, कपड़े नहीं धुलेंगे। इस स्थिति में आप इसको चेक कीजिए, जब ये लगा है तो ऐसे उंगली करके देखिए कहीं ये ढीला तो नहीं, अगर ढीला है तो मार्केट से नया लाइए और इसको चेंज कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। इसके कारण भी वॉशिंग मशीन में खटखट की आवाज़ आती है। जब ये ढीला होगा, वॉशिंग मशीन तो लोड ले रही है पर क्या होगा, ये बॉडी से जाके टकराना चालू, जब ये टकराएगा तो कट कट की आवाज़ आना चालू होगी। उस स्थिति में भी हम इस बेल्ट को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे गियर बॉक्स से क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं और उसके साथ लगने वाली पुल्ली।
अगर पुल्ली, ये आपको दिख रही है ये पुल्ली, पुल्ली में ये जो बनी है छेद बना हुआ है, यहाँ पे आपकी शाफ्ट सही तरीके से बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है, तो तब भी वॉशिंग मशीन लोड नहीं लेगी। ये शाफ्ट में सही तरीके से फिट होनी चाहिए। अगर ये सही तरीके से फिट नहीं है और ये ढीली हो गई है, स्लिप हो गई है, तब भी आपकी वॉशिंग मशीन लोड नहीं लेगी। प्लस ये बॉडी से टकराएगी, अपने गियर बॉक्स से टकराएगी और आवाज़ करेगी, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें लोड ना लेने और आवाज़ आने की प्रॉब्लम तीन फॉल्ट, हमको तीन प्रोडक्ट से हो सकता है। पहला गियर बॉक्स से, दूसरा रबड़ से अपना जो ये बेल्ट है इससे, और तीसरा है पुल्ली से। आपको पार्ट टू पार्ट सबसे पहले आप कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले सिंपल सा तरीका है कि आप बेल्ट को चेक कीजिए। बेल्ट में जब आपको घूमता है तो बेल्ट को उंगली से ऐसे आगे पीछे करके देखिए, क्या आपको इससे ये समझ में आएगा कि आपका बेल्ट बहुत ज़्यादा ढीला तो नहीं है। प्लस वहाँ पे आप नीचे से देखिए कहीं बेल्ट बॉडी से तो नहीं टकरा रहा है। अगर बेल्ट आपका बॉडी से टकरा रहा है तो आप बेल्ट को चेंज कीजिए। तो यहाँ पे हमें बहुत आसान तरीके से बेल्ट की प्रॉब्लम पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हम बेल्ट को चेंज करते हुए हमारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपका बेल्ट सही है, कड़ा है, तब भी स्लिप मार रहा है, तो उसके बाद हम पुल्ली को देखेंगे। पुल्ली को ऐसे करके देखेंगे, क्या पुल्ली हिल रही है, अपनी शाफ्ट में बिल्कुल कड़ी है या नहीं है। अगर पुल्ली ऐसी टाइप से हिल रही है तो इस स्थिति में शाफ्ट में पुल्ली सही तरीके से लगी नहीं है और हम यहाँ पे पुल्ली को चेंज कर देंगे। हो सकता है कि जो पुल्ली में ये शाफ्ट यहाँ पे लगती है, ये शाफ्ट गोल हो चुकी है, ख़राब गिर चुकी है, जिसके कारण ये बैलेंसिंग नहीं हो पा रही, तब भी आपको ये स्थिति आएगी, तो तब भी आप इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। और लास्ट में आप गियर बॉक्स के तरफ जाते हैं, गियर बॉक्स में देखते हैं कि गियर बॉक्स में आप लगा के दोनों को चेक करने के बाद इसको ऐसे घुमा के देखते हैं, कट कट की आवाज़ आती है तो गियर बॉक्स चेंज करें। प्लस आप इसको पकड़ के देखिए, स्लिप तो नहीं मार रहा है, अगर यहाँ कब पकड़ने के बाद ये स्लिप मार जा रहा है, तब भी आप इस गियर बॉक्स को चेंज करेंगे। इन तीन चीज़ों को चेंज करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक और प्रॉब्लम होती है प्लास्टर के में, जहाँ शाफ्ट फंसती है वो भी गोल हो जाता है, तो आप प्लास्टर को भी चेंज करके इन चारों चीज़ों में आपकी वॉशिंग मशीन अगर मोटर सही है और लोड नहीं ले रही है, तब आप इतने पार्टों को चेक करके आप वॉशिंग मशीन को बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं और लोड ना लेने की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी एक बार आपको और बता देता हूँ। गियर बॉक्स की प्रॉब्लम हो सकती है पहली, पट्टे की प्रॉब्लम हो सकती है दूसरी, पुल्ली की प्रॉब्लम हो सकती है तीसरी, प्लास्टर की प्रॉब्लम होती है चौथी, ये चार प्रॉब्लम हो सकती हैं लोड ना लेने। पांचवी प्रॉब्लम तो आपकी ये पता ही है कि अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो आपकी मोटर सही तरीके से लोड नहीं ले रही है, तो उसको सीधे आप डायरेक्ट चला के देखिए क्या वह लोड ले रही है कि नहीं ले रही है। अगर वो लोड नहीं ले रही है तो मोटर को हम चेंज कर देंगे और नई मोटर को हम लगा देंगे। इस टाइप से आप बहुत आसान तरीके से चेंज कर सकते हैं पार्टों को। अब पार्टों को किस टाइप से चेंज किया जा सकता है, आप लाइन टू लाइन आप हमारे अगले वीडियो में देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इनको हम कैसे चेंज करते हैं। ओके, आपको कोई भी इसमें दिक्कत आ रही हो, कहीं भी फॉल्ट आ रहा हो, वॉशिंग मशीन से कोई भी आपको क्वेश्चन हो, तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको प्रॉपर तरीके से सलूशन बताएंगे। प्लस हमारे यहाँ आप टेक्निकल वर्ल्ड में आके वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, मोटर वाइंडिंग का कोर्स प्रॉपर तरीके से आके कर सकते हैं और अपने कैरियर को ऊंची ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। हम आपको यहाँ पे फुल प्रैक्टिकल ए टू जेड हर चीज़ की जानकारी देते हैं, जितना भी काम होगा आपका फुल प्रैक्टिकल आप यहाँ पे आके करते हो और आप प्रॉपर तरीके से